आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर रिचार्ज कैसे करते हैं मशीन में। यहाँ पर दो कंपनी हैं, दो नेटवर्क हैं, इतिसलात और डू। दुबई में केवल पूरे यूएई में मतलब दो ही सर्विस मिलती हैं सिम में, जो है इतिसलात और डू। और एक इसका ब्रांच है इतिसलात का 5 सिम, मतलब इसमें थोड़ा कॉल रेट कम हो जाती है, अलग से बना रखा, लेकिन केवल जो मेन है वो इतिसलात और डू हैं। तो मैं अभी रिचार्ज मशीन के पास हूँ, यहाँ पे आराम से रिचार्ज करते हैं, देखते हैं, आज आपको सिखाते हैं। दुबई आने से पहले आप ये भी जान लो रिचार्ज कैसे करते हैं। और दोस्तों, आने वाली वीडियो में, जो इसके बाद वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि फ्री सिम कैसे ले सकते हैं। जब दुबई एयरपोर्ट पे आओगे, जब पहली बार जो दुबई आओगे जिसके पास सिम नहीं होगी, तो आप अपना पासपोर्ट देके फ्री सिम ले सकते हो। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे आप फ्री सिम ले सकते हो। यहाँ पर आने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, एयरपोर्ट में फ्री सिम आपको मिल जाएगी, आप कहीं भी बात कर सकते हो। और इस मशीन में रिचार्ज करने के लिए चेंज होना ज़रूरी है, अगर आपके पास चेंज नहीं होगा तो रिचार्ज नहीं कर सकते। 5 दरहम से लेके 5000 दरहम तक रिचार्ज कर सकते हो यहाँ पर। तो आप जितना रिचार्ज करना चाहते हो उसका, जैसे कि 10 करना चाहते हो 10 का नोट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास 50 का नोट है, 100 का नोट है, अगर 10 का करना चाहते हो तो आपके पास चेंज होना चाहिए, बिकॉज चेंज इस मशीन मतलब चेंज नहीं देती है, चेंज होना ज़रूरी है आपके पास। और ये मशीन आपको हर जगह मिल जाएगी, होटल के आसपास मिल जाएगी और सुपरमार्केट के आसपास मिल जाएगी, मतलब गली गली में ये मशीन रखी हुई है हर जगह दुबई में, यूएई में, तो आराम से रिचार्ज कर सकते हो। तो देखिए गाइस, ये है मशीन एंटी कंपनी की। देखिए यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन सब दिए हुए हैं, मेडिकल हर चीज़ इसमें आपको हर सुविधा मिलती है। आप यहाँ पर अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, पानी का बिल जमा कर सकते हैं, अपने जो यहाँ पे फ़ाइन आते हैं जो ड्राइवर लोग हैं ना, उसका बिल जमा कर सकते हैं, मतलब फ़ाइन अपना भर सकते हैं। और देखिए पबजी भी इसमें दिया हुआ है, पबजी का भी यूसी वगैरह ख़रीद सकते हो। और इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मतलब बहुत सारे सर्विस आपको मिल जाते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंडिया मतलब यहाँ बैठे बैठे इस मशीन से आप इंडिया में, आप किसी के मोबाइल में बैलेंस डाल सकते हो, डाटा पैक एक्टिवेट कर सकते हो, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो। ये देखिए एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, एयरसेल, डोकोमो, जियो, रिलायंस जियो, सारे सुविधा आपको यहाँ पर बैठे बैठे मिल जाती हैं। तो काफ़ी अच्छी ये मशीन है। और इसमें मैंने बताया कि ना बहुत ईजीली रिचार्ज हो सकता है, बस आपके पास चेंज होना चाहिए। तो मैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये 10 दिरहम है यहाँ के, इंडिया के 200 रुपये बनते हैं। और अभी रिचार्ज करेंगे इसका हम, कैसे भी उल्टी सीधी नोट डाल दो मुश्किल नहीं, वो चलेगा, बस आपका नंबर सही होना चाहिए। ये देखिए, तो अभी हम डू कंपनी में करेंगे, ये रिचार्ज पे क्लिक किया हमने, और मोर टाइम पे क्लिक करेंगे, और डाटा भी दिखा रहा है इधर। तो अपना पहले हम नंबर डालते हैं, ये हमारे फ्रेंड का नंबर है, इस पर कॉल वगैरह मत करना भाई, दूसरे का नंबर है, मेरा नंबर नहीं है। तो देखिए नंबर डाल रहे हैं अभी हम, और एक बार कंफर्म कर लो, चेक कर लो कि नंबर सही है कि नहीं सही है, फिर नेक्स्ट पर आप टैप कर दो। तो दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, ऐसा इंटरफेस दिख रहा है आपको कि 10 दिरहम से कम नहीं होगा। डू कंपनी में ऐसा सिस्टम है कि 10 दिरहम से कम नहीं होता। देखिए अब मैं बैलेंस डाल देता हूँ नोट अपनी, देखिए इंसर्ट हो गई है, अंदर चली गई है, और यहाँ पे बताएगा 10 दिरहम आपका आ गया, और पे क्लिक कर देना है। तो बस खलास, यहाँ पर आपका रिचार्ज हो चुका है। कितना ईजीली, देखिए रिसिप्ट भी दे दिया, कितने बजे कौन से नंबर पर किस कंपनी, मतलब सब कुछ बायोडाटा उसमें दे दिया। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सवाल है मन में तो कमेंट करो, कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना। और कुछ जानना चाहते हो तो, और मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाओ।